कोई भी ऑथोरिटी नहीं हो सकती। पर केवल ऑथोरिटी नहीं हुआ, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इन अ वेलफेयर स्टेट, यू हैव टू बी पीपल ओरिएंटेड। लागू करवाते वक्त आपको ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आमचं काम आहे की हा पॉलिसी लागू करून घेताना कोणावर अन्याय होऊ नये, सर्वसामान्यांना याचा लाभ, आणि ज्या समाजासाठी ज्या नागरिकांसाठी हा कायदा आहे त्यांना हवा हवा असा वाटतो, ही हमारा है। सरदार पटेल हु हैज क्रिएटेड द मॉडर्न सिविल सर्विसेस स्ट्रक्चर हैज वन सेड अबाउट पुलिस, ही वन सेड दैट वी मींस द पुलिस शुड नॉट ओनली बी एक्सपर्ट इन डिटेक्शन investigation of crime, but we should be having outreach to the people. They should feel that we are for them. In welfare state, we are not only strong arm of government, but we are facilitator of the common people, common masses as well. So once upon a time, civil services was used to be said by Paul Appleby Committee in 1951. It has given the report, this is the iron frame of India. So this iron frame can be iron frame only when they know what are the cardinal principles and they stick to that too for the larger benefit. Sarvajan hita, sarvajan sukhaya. आपल्याला माहितच आहे, आपल्याला संपूर्ण मार्गदर्शन केलेले आहे माझे पूर्वीचे वक्ते की कसा सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी केली पाहिजे, किती काय एक्झाम दिला पाहिजे, का दिला पाहिजे, तुमच्यामध्ये स्पार्क आहे की नाही आहे ते तुम्ही स्वतःहून हेरला पाहिजे, तुमची तेवढी तयारी आहे की नाही आहे ते तुम्ही समजला पाहिजे, हे सर्व आहेच, पण जर तुमची जिद्द आहे की तुम्ही या देशासाठी, या समाजासाठी, या देशाचे कायदेसाठी, या देशाचे नीती, या देशाचे नियोजनसाठी काही करायला इच्छितात, तर सिव्हिल सर्व्हिसेसपेक्षा दुसरा कोणतेही सर्व्हिस नाही। बट ॲट द सेम टाइम हॅविंग सेड दॅट, सिव्हिल सर्व्हिसेस सारखा कोणतेही डिफिकल्ट एक्झामिनेशन नाही, हा सोपा नाही आहे पण असंभव पण नाही। सोपा नाही आहे खरं आहे, देर इज नो शॉर्टकट इन लाईफ ऑल्सो अँड फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस ऑल्सो। यासाठी तुम्हाला तयारी करावा लागते, भरपूर तयारी करावा लागते, पण किती वेळ वाचन करू हे सर्व वेगवेगळे लोकांसाठी वेगवेगळे असते। माझा लहाना भाऊ जे आज OSD2 रेल्वे मिनिस्टर आहे, सेंट्रल रेल्वे मिनिस्टर वेद प्रकाश, तो 18-18 तास अभ्यास करायचा,
आणि मी फक्त 7 ते 8 तास अभ्यास करायचो. दोन्ही एकही ठिकाणी वास्तव्यास होतो, कारण सख्खा भाऊ आहे माझा. तर एक 8 तास अभ्यास करणारा आणि एक 18 तास अभ्यास करणारा, तरी मी पण क्वालिफाय केले आणि ती पण ते पण क्वालिफाय केले सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये. जेव्हा प्रिलिमिनरी तयारी करतो आपण, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टडी करतो, कारण एनी क्वेश्चन अँड एव्हरी क्वेश्चन अंडर द सन कॅन बी आस्क्ड फ्रॉम इन प्रिलिमिनरी टेस्ट. आणि मेन्स मध्ये सिलेक्टिव्ह इंटेन्सिव्ह स्टडी करतो, मतलब जसं आपण गेस करतात ना की काय काय प्रश्न येणार आहे, तसाच आपण सिलेक्ट करतो यामध्ये काय काय वाचन केलं पाहिजे, ज्यामुळे मी त्याचे इंटेन्सिव्ह स्टडी करून त्याच्यावर आपले आपला विचार खूप चांगला पैकी मांडू शकतो. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टडी अँड सिलेक्टिव्ह इंटेन्सिव्ह स्टडी मध्ये खूप फरक आहे. पण पीटीसाठी तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टडी करावा लागते, मग सर्व काही वाचन करावा लागते आणि त्यामध्ये तुम्हाला निरखून विवेक करावा लागते की काय इम्पॉर्टंट आहे. वाचन करताना कशा प्रकारचे क्वेश्चन येतो, त्यामुळे अगोदर सर्वात अगोदर काय बघितलं पाहिजे, सिलेबस. नंतर काय बघितलं पाहिजे, प्रश्न मागील 10 वर्षाचे. आणि नंतर वाचन केलं पाहिजे चॅप्टर, तेव्हा तुम्हाला कळते की ॲक्च्युली काय काय विचारू शकतात जे आतापर्यंत विचारले गेलेले नाही. When you go through the syllabus, the questions of last 10 years, and then you go through the text, then you understand what exactly can be asked in examination. दुसरा जो प्रमुख बिंदू आहे की पीटी तयार करताना बरेच लोक पीटी क्वालिफाय करत नाही, पण मी माझा भावांचं कधी असं झालं नाही की आपण पीटी क्वालिफाय नाही केले. आणि मी तर पीटीची तयारी पण करत नव्हतो, पण माझा एक 12वी क्लासपासूनच आम्ही एक क्विझ ग्रुप आणि ग्रुप डिस्कशन ग्रुप तयार केले होते दर शनिवारी आणि रविवारी. माझं ग्रुप डिस्कशन आणि याच्या क्विझच्या प्रोग्राम व्हायचा, त्याचा डोका वेगळा आमचा डोका वेगळा. उसका सिर अलग मेरा सिर अलग ऐसा लगता है क्या, ज्यादा कुछ अलग नहीं है. अलग है कि आप एग्जामिनेशन की ओरिएंटेड तैयारी करते हो, करने वाला कुछ विशेष नहीं करता है, उसका सेंस ऑफ प्रपोर्शन बढ़ जाता है. वो 2 घंटे में जो टेस्ट होता है उसकी प्रैक्टिस करता है, वो उसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से कर रहा होता है जो उसे परीक्षा में देना होता है. वही लोग हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं जो उसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे होते हैं. तो तुम्हें तुम्हारी तैयारी तुमची जी तैयारी है ते जर तुम्ही आतापासून कोणत्या क्लासमध्ये आहे कोणत्या वर्गात आहे मी ते विचारणार नाही, पण तुम्ही आतापासून सुरू केली, क्विझ ग्रुप बनवले, 4-8 लोकांचा ग्रुप बनवले, 2 लोक क्वेश्चन घेऊन यायचे, या विषयावर क्वेश्चन आणायचं आहे, आपण तयार होऊन येणार आहोत, आणि दुसऱ्याला सांगायचं की जनरल क्वेश्चन आणायचं न्यूज वगैरेचं. त्यामुळे सेन्स ऑफ प्रपोर्शन, सेन्स ऑफ प्रपोर्शन कशाला सांगतात, सेन्स ऑफ प्रपोर्शन की या संपूर्ण न्यूजमध्ये कोणकोणत्या गोष्टीवर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, हा असतो सेन्स ऑफ प्रपोर्शन. आणि हे विकसित कसं होतात, जेव्हा वेगवेगळे प्रकारचे प्रश्न करणारे लोक तुम्हाला दर आठवड्याला जेव्हा प्रश्न करतात तेव्हा तुम्हाला समजतात की अच्छा हा असा प्रश्न विचारतो, ता तसा प्रश्न विचारतो, ते तसा प्रश्न विचारतो, आणि त्यामुळे तुमची पूर्ण तयारी होते.
ग्रुप डिस्कशनचा फायदा असा होतो की जे गोष्टी तुम्हाला जेवढी समज होती त्या व्यतिरिक्त जे वेगवेगळी समज आहे त्याची व्याख्या वेगवेगळी आहे ते तुम्हाला दुसऱ्याच्या मार्फतीने कळते, जे तुमचे दुसरे मित्र आहे. आणि यामुळे तुम्ही जेव्हा उत्तर लिहिता तेव्हा तुम्हाला सर्व क्लिअर असते की काय काय याचं काय काय पॅल्यू असू शकतात. व्हॉट कॅन बी द ॲक्सिओम्स ऑफ दिस टॉपिक अँड व्हॉट अन एग्जामिनर वॉन्टेड टू सी. तो ये सारी चीज़ें समझना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो. इस तैयारी में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं. एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन विकसित करना, एक कि एग्जामिनर क्या उत्तर चाह रहा है तो उसके लिए प्रश्न को टुकड़ों में बांटना, एक दो तीन चार कई टुकड़ों में बांट सकता है. मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो नंतर मॅनेजमेंट आणि लॉ पण केले आणि हिंदीमध्ये एम ए आणि एम फिल पण केले हिंदी लिटरेचरमध्ये. पण मी एवढं सांगायला इच्छितो की वेन यू ब्रेक द क्वेश्चन्स इन टू पीसेस अँड यू फ्रेम द फ्रेमवर्क जिसने आप लिखने वाले हो तो आप भटकते नहीं हो. एक क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देते हो, दूसरे में कम समय नहीं देते हो और आपको अबव एवरेज नंबर आते हैं. यूपीएससी के लिए एक्सेलेंट होने की जरूरत नहीं है, अबव एवरेज होने की जरूरत है हर क्षेत्र में. यू नीड नॉट टू बी एक्सेलेंट. एक आंसर एक्सेलेंट लिख दिया इवन क्लास में भी आप टॉप नहीं करोगे. यू हैव टू बी अबव एवरेज. और एवर एवरेज कब होते हो? जब आप क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट के समझ लेते हो. और दूसरा बैकवर्ड प्लानिंग. तुम्हारे पास समय कितना है, तुम्हें पढ़ना कितना है, उसमें से कितनी किताबें पढ़नी है, तुमने नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के लिए आपके पास कितना समय है, रिवाइज करने के लिए कितना समय है, पहली बार पढ़ने के लिए कितना समय है, ये सब का कैलकुलेशन पहले होना चाहिए. जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाएगा आपको अपना ये दो किताब आप नहीं पढ़ सकते, किनारे कर दो, ये दो ही पढ़ लेंगे. अत्ता मी लॉ चा एग्जाम देऊन टॉप झालो मुंबई युनिवर्सिटीमध्ये. तीन वर्षीय लॉ पाठ्यक्रममध्ये आता LLB केले मी आणि टॉप झालो मी. फक्त मी हेच करत होतो अगोदर, मी तय करत होतो, मी तर खूप व्यस्त माणूस, पोलीस खात्यात काम करतो पण ते त्या व्यतिरिक्त स्पोर्ट्स पण करतो, हे पण करतो, ते पण करतो. एवढ्या गोष्टी करत असताना मला ते लॉचं एक्झाम पण द्यायचं होत्या तर अगोदर प्लॅनिंग केले, नोट्स बनवले, नोट्समुळे बरेच गोष्टी याद राहिले, डोक्यात शिरले. आणि नंतर जेव्हा परीक्षेला जायचं होतं तेव्हा जसा जसा वेळ कमी होत गेला तसं तसं ठीक आहे, आता झाप बालाचं पढायचं, फक्त झाप बालाचं पढायचं किंवा याचे पढायचं, त्याचं पढायचं, त्याचं वाचन करायचं, आता बाकी नाही वाचन करायचं. तो उसके हिसाब से आपको टाइम का जब बैकवर्ड प्लानिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है और अंत में कितना पढ़कर भी आप, क्योंकि एग्जाम आपको 2 ही घंटे देना पड़ता है. किसी को जैसे दिन में 24 घंटे से अतिरिक्त किसी को नहीं मिलता, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे कृष्ण प्रकाश हो, चाहे यहां बैठे हुए तमाम दिग्गज लोग हों, किसी को भी 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलता. वैसे ही एग्जाम में भी किसी को 2 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं मिलता. तो उस 2 घंटे में आपने अपना सर्वोत्तम देना है. तो आपने 50 बुक पढ़ा कि 5 बुक पढ़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता. पर आपने नोट्स बनाते वक्त मैक्सिमम बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि आप टाइम रिग्रेशन में जाते हो. टाइम रिग्रेशन किसको कहते हैं? आपने जो पढ़ा है ना वो आपके ध्यान में आता है, आपको लगता है कि आपको पता नहीं है लेकिन आपके सबकॉन्शियस में वो मौजूद होता है. और जब आप लिख रहे होते हो या कोई ऐसा रेफरेंस आता है तो आपको याद आ जाता है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन मेकिंग नोट्स बाय योरसेल्फ. किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ने की कोशिश मत करो, उसके नोट्स को
सपोर्ट केले. माझ जेव्हा इंटरव्ह्यू होता तेव्हा माझ्याशी प्रश्न विचारला गेला. अरे शिरलो रूम मध्ये की प्रश्न विचारला गेला. मैंने आप सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार बोला. बोला दूरदर्शन से आए. मी घाबरलो. हा काय बोलला त्याने. बोला नहीं सर दूरदर्शन से नहीं आया हूं. तो ये क्या आप सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार. दूसरा प्रश्न विचारला कि तुम्ही हिस्ट्रीचे स्टुडंट आहे, तुम्ही अकबरनामा वाचले काय, बाबरनामा वाचले काय, किताबुल हिंद वाचले काय. म्हणून सर त्याचे एक्सेप्ट वाचलो. एक्सेप्ट म्हणजे जे त्याचे उद्धरण वेगळे येतात ते वाचन केलेले. परंतु तुम्ही क्या पढा, हिस्ट्री कसे कर लिया, यूपीएससी कसे कर लिया. बोला सर वैसे तो बोलना नहीं चाहिए सर, पर मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप माफ करेंगे तो. बोले बोले बताइए. तो मैंने बोला सर वैसे तो फिर हम लोगों को ऋग्वेद भी पढ़ना पड़ेगा सर, सामवेद भी पढ़ना पड़ेगा, यजुर्वेद भी पढ़ना पड़ेगा, पुराण भी पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ सकते हैं सर इतनी सारी चीजें. तो वो हंसने लगे. बोले सर वो सब भी वैदिक काल भी है सर इसमें, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं इतना सर. तो बोले हाँ वो बराबर है उन्होंने कहा. फिर उन्होंने पूछा संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज. हमारे सर लैंग्वेज कभी डेड हो ही नहीं सकती, भाषा कभी डेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो संवाद का माध्यम है. भाषा विस्तृत हो सकती है, भाषा टूटती है और नई भाषा में गढ़ी जाती है. वैसे संस्कृत प्योर फॉर्म में भी जिंदा है, मैंने कहा बोला, लेकिन उसके अलावा वो विभिन्न भारतीय भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में जिंदा है. तो बोले वाह. वो लोगों ने बोला सिर्फ तेने प्रश्न केला कि ये बताओ कि तुम्हारा नीचे वाला करप्ट, ऊपर वाला करप्ट, या पॉलिटिशियन के गलत आदेश सुनने को तैयार हो. और आप से बताया गया, आपके वरिष्ठ ने बताया कि अगर तुम बात सुनोगे तो तुमको प्लम पोस्टिंग मिलेगी, और नहीं तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो तुम क्या करोगे, बाकी तो उनका काम होने ही वाला है. तो मैं बोला सर जो सही होगा वही करूंगा, अगर गलत है तो नहीं करूंगा. तो बोले गलत है अगर नहीं करोगे तो तुम रहोगे ही नहीं. बोले रहूंगा कैसे नहीं सर, कहीं तो ट्रांसफर करेंगे ना, वहां रहूंगा. तो बोले वो तो अच्छी पोस्टिंग नहीं होगी. मतलब सर पोस्टिंग अच्छी और खराब कैसे हो सकती है, पोस्टिंग तो पोस्टिंग होगी, मेरे पद की होगी, मेरे रैंक की होगी, वो अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है. उसमें एडी देव बर्मन थे, थोड़ा सा मैंने दिमाग से काम लिया. उन्होंने बोला ऐसा कैसे कुछ भी बोलते हो. हम बोले कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है जब तुम्हारे डाक सुने कोई ना आसे तब इकला चलो इकला चलो इकला चलो. वो इतने हैप्पी हो गए कि उन्होंने तुरंत पूछा मुझसे तुम्हारे रिटर्न में कितने अंक आए होंगे. मैंने बोला सर 1050 के आसपास आए होंगे, 1050 के आसपास. बोले इंटरव्यू में कितना मार्क्स दे दूं क्या आईएएस बन जाएंगे. हम बोले सर डोंट गिव अ सिंगल मार्क्स मोर देन व्हाट आई डिजर्व, बट डोंट गिव मी अ सिंगल मार्क्स लेस देन व्हाट आई डिजर्व. एक मार्क्स भी कम मत दीजिए, एक गुण पण कमी देऊ नका जेवढा मी डिजर्व करतो, पण एक मार्क्स जास्त पण देऊ नका जेवढा मी डिजर्व करतो. मला 198 मार्क्स मिळाला आणि मी आयपीएस झालो. माझा भाऊ जे 11 तास मेहनत करून माझ्यापेक्षा रिटर्नमध्ये 74 मार्क गुण जास्त मिळवला होता, त्याला बिचारीला 90 अंक मिळाला आणि त्यामुळे तो आयआयटीएस झाला. पण दॅट इज नॉट बी ऑल एन एंड ऑल. आप कहीं भी जाकर बेहतरीन कर सकते हो. आज मेरा भाई वो इसी जो रेलवे मिनिस्टर है, इज लीडिंग द रेलवे मिनिस्ट्री. सो कोई भी चीज आखिरी नहीं होती और कोई भी चीज शुरू नहीं होती, इसकी पीठिका पहले बनानी पड़ती है. तुम लोगों में से कोई भी ये हिम्मत हार के मत जाना
की तुम सिव्हिल सर्व्हिसेस नाही कर सकते हो या तुम्ही नाही करणार. पण अगर तुम्हारे सिव्हिल सर्व्हिसेस करणे का मकसद तुम्हारे कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस से शाश्वत जो सिव्हिल सर्व्हिसेस के सिद्धांत है उससे नहीं मिलते हैं तो कृपया उसे त्याग दीजिए. आखिर में मैं आपको हनुमान जी का, भगवान हनुमान का और भगवान राम का उदाहरण लेकर अपनी बात को अंत करूंगा. भगवान हनुमान भी उदास थे जब सीता माता का हरण हो गया, उस पार चले गए, रावण की सेना के साथ युद्ध चल रहा था. सब लोग उनको बता रहे थे कि अब तो सीता माता कहाँ है, सुग्रीव पता कराए, आप जाइए और उनको लेकर आइए, आपके पास बहुत शक्ति है. पर उनको अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं हो रहा था. और तब वैसे समय में जामवंत उनको समझाते हैं कि भाई तुम अगर ये समझोगे कि तुम्हें किस लिए यहां लाया गया है, किस लिए तुम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, इसलिए मैंने पूछा, तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी. और तब वो समझते हैं कि उनका जन्म राम की सेवा, राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है. और तब बचपन में जो वो नटखटपना किए थे, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत और पिछड़ जाते हैं, उनको अपनी सारी शक्तियों का भान हो जाता है और फिर तो जल्दी लांग हो गया अच्छे से. फिर वो जाते हैं सीता माता के पास संदेश देकर और लंका जलाकर लौट आते हैं. देखिए, मैं भगवान हनुमान का उदाहरण इसलिए दिया कि सिविल सर्वेंट हनुमान की के सच्चे अनुयायी है. देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं. गम्मत सी राय कि एक बार सब लोग बोल रहे थे, सिख बोलने लगे कि हनुमान तो हमारे हैं. बोले कैसे? बोले अरे क्या बात करते हो, हनुमान हमारे नहीं है. सिमरनजीत सिंह मान, हे मान, ते मान, सर सिख आए. दूसरे ने कहा कि हनुमान, ईसाइयों ने कहा, हमारे ईसाई भाइयों ने कि हनुमान तो हमारे हैं, स्वी मैन, हनी मैन, हे सर वामच. तीसरे ने कहा हमारे मुसलमान भाइयों ने कि सुलेमान, रहमान, सब मान तो हमारे. तो हमारे जो नागरिक सेवक है, पुलिस, ये सब अधिकारी वगैरह जो बनने वाले हैं, जो बन गए, उन्होंने कहा भाई हनुमान तो हमारे ही हो सकते हैं. किसकी पत्नी के लिए समुद्र को छलांग करके अपनी पूछ में आग लगा करके जो सोने की लंका जला सकता है, वो सरकारी नौकर होकर और के अलावा कोई नहीं हो सकता. हम दिन रात दूसरे के लिए परिश्रम करते हैं, ठीक है. भगवान राम का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि जब जब आप निराश होते हो, तब तब समझो कि आम इंसान की तरह रहकर भी आपके अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, मेहनत करने की शक्ति है, जोड़ने की शक्ति है. और जो ये शक्तियां हैं क्षितिजल पावक गगन समीप की, वो सभी शक्तियां आपके साथ खड़ी हो सकती हैं जब आपने दूसरे लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं, दूसरे लोग जो सफल हो रहे हैं, उनसे दृढ़ आराधन से उत्तर दिया. अगर रावण ने 10 सिरों का अर्पण किया तो राम को भी अपनी आंखों का अर्पण करना पड़ा था, तब जाके शिव के माध्यम से शक्ति प्रकट हुई थी और तब उनको शक्ति मिली. तो शक्ति अगर चाहिए तो बैठे बिठाई नहीं मिलती, ना ही सुप्त से सुहस्य प्रविशंति मुखे मृगा. सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि शिका संगठित, वह संघर्ष करा तो सीखो और तब देश और समाज के लिए संघर्ष करो. मैं देर से आया, कार्यक्रम दूसरा कार्यक्रम है, मैं अपने कार्य व्यस्तताओं के कारण देर से आया, इसलिए क्षमा चाहता हूं. और
आप सब लोगों का जो भी प्रश्न होगा आप आयोजकों के पास भेज देंगे, मैं उनका उत्तर भेज दूंगा, क्योंकि अगला कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियों रुकनी नहीं चाहिए सर, धन्यवाद आपके अनमोल शब्दों के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी लाइक टू फेलिसिटेट डॉक्टर राकेश सिंह सर, हु इज